अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीन आज है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल तनवीन टॉक्स। आज हम बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ कंप्लायंस डिपार्टमेंट क्या होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और किस तरह से कंप्लायंस डिपार्टमेंट फंक्शन कर रहा होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। व्हाट इज कंप्लायंस, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, मेरे लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो वीडियो भी जरूर जाके देखें, आपको कंप्लायंस डिपार्टमेंट के बारे में मजीद मालूमात मिलेगी। कंप्लायंस डिपार्टमेंट के 5 फंक्शन बताने से पहले आपको मैं ये बता दूंगा, ये कंप्लायंस डिपार्टमेंट किसी भी इदारे में किसी भी तरह के नेचर ऑफ जॉब में हो सकता है, ये बैंकिंग सेक्टर में भी हो सकता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हो सकता है, ये किसी अकाउंटेंसी फर्म में भी हो सकता है, ये किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी हो सकता है, किसी फूड इंडस्ट्री में भी हो सकता है, या सो ऑन जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर अगर कंप्लायंस डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो फिर वो इन 5 फंक्शंस को क्लोजली मॉनिटर करेगा जो उसके मेन फंक्शंस कहलाते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले ये डिपार्टमेंट वो तमाम एरियाज आइडेंटिफाई कर लेगा या फिर टाइम टू टाइम आइडेंटिफिकेशन इसकी करता रहेगा जो एरियाज नॉन कंप्लायंट हैं। आइडेंटिफिकेशन से मुराद ये है कि कोई भी ऐसे एरियाज जो कि नॉन कंप्लायंट हो या फिर होने वाले हों तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेना। नंबर 2 पे है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन से मुराद ये है कि जो चीज़ आपने आइडेंटिफाई की है उससे क्या नुकसान होगा उसका पहले ही आप प्रिवेंटिव एक्शन ले लें। अगर आप प्रिवेंशन पहले से करके रखेंगे तो आपको करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिवेंशन जो है एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, तो प्रोएक्टिव अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और कंप्लायंसेस के इश्यूज के अंदर। कोई भी एरिया, कोई भी प्रोसेस हो जहां पर रिस्क एसोसिएटेड हो तो वहां पर प्रिवेंटिव एक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब 3 क्या चीज है कि जब आपने किसी चीज को आइडेंटिफाई कर लिया है कि यार ये इश्यूज नॉन कंप्लायंट हो सकते हैं या इन इन वजूहात के बिना पर कंप्लायंसेस हमारी डिस्टर्ब हो सकती है, फिर उसका आपने प्रिवेंटिव एक्शन भी ले लिया है, आपने कुछ मेजर्स भी सेट कर लिए हैं, आप उस सिस्टम को मॉनिटर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि आया कि कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, कि किसी किस्म के कोई नॉन कंप्लायंट इश्यू तो नहीं आ रहे हैं, आप क्लोजली डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, जो भी आपने पीरियड सेट किया हुआ होता है आप उसके ऊपर मॉनिटर करते हो और डिटेक्ट करते हो चीज़ों को। अब वो जब सिस्टम ब्रेकेज आ जाए या फिर कोई मॉनिटरिंग फॉल्ट आ जाए या नॉन कंप्लायंट इश्यू आ जाए तो फिर आपके पास अगला स्टेप होता है, जो अगला मेन फंक्शन है वो है आप रेजोल्यूशन की तरफ जाते हो। इट मीन्स कि अगर कोई नॉन कंप्लायंट इशू आ गया है तो आपने उसको सॉल्व भी करना है। कोई चीज़ आप होने से रोक नहीं सकते लेकिन उसका इम्पैक्ट कम से कम कर सकते हैं प्रिवेंटिव एक्शंस में। लेकिन जब कोई चीज़ अगर हो जाए तो फिर आपने रेजोल्यूशन की तरफ जाना होता है, उस चीज़ को सॉल्यूशन की तरफ जाना होता है, उसको सॉल्व करना होता है। ये तो 4 फंक्शंस हो गए। अब सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट फंक्शन है एडवाइजरी का। कंप्लायंस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी हैसियत रखता है जो कि मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स, मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन, मुख्तलिफ चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंप्लायंस डिपार्टमेंट को किसी प्रोसेस चेंज में इन्वॉल्व किया जाए और उससे एडवाइस लिया जाए इन केस के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक ना हो रहे हों, इन केस कोई ऐसी इंटरनल पॉलिसी ब्रेक ना हो रही हो जो कि नॉन कंप्लायंट की तरफ आपको ले जाए और आपको नेशनल या इंटरनेशनल ऑडिट्स के अंदर या फिर कंप्लायंस की जो मॉनिटरिंग अगर एक्सटर्नल बॉडीज या इंटरनल बॉडीज के थ्रू की जा रही है उसमें कोई ऐसा इशू ना आ जाए। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर कंप्लायंस डिपार्टमेंट अपनी एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका ये तो थे कंप्लायंसेस के मेन फंक्शंस, जिसके अंदर सबसे पहले आपने इश्यूज को आइडेंटिफाई करना होता है, कोई भी रिस्क हो उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसके अगेंस्ट प्रिवेंटिव एक्शन लेना होता है, उसको मॉनिटर करना होता है, डिटेक्ट करना होता है अगर कोई नॉन कंप्लायंट इशू आपके सामने आ जाए, उसको रिजॉल्व करना होता है, रेजोल्यूशन की तरफ जाना होता है और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और प्रोसेस के साथ इंटैक्ट एंगेज रहना पड़ता है ताकि किसी भी किस्म का ब्रीच ना हो कंप्लायंसेस का। तो आपको कंप्लायंस डिपार्टमेंट के अलावा किसी और या किसी और प्रोफेशन के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।